हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे गेट करोगे। तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आपको सबसे पहले तो वाईफाई ऑन करना है फ़ोन में, या फिर नेट और ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर देना है। तो वाईफाई ऑन कर दिया, ब्लूटूथ लोकेशन ऑन कर दिया, उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ सर्च करना है हाई वॉच प्रो ऐप के लिए, जो कि इसका ऑफिशियल ऐप है। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। तो यहाँ हाई वॉच प्रो ऐप मैंने इंस्टॉल, तो अब मैं इस ऐप को ओपन करूँगा। तो आपको यहाँ सारी चीज़ों को एग्री कर लेना है, नोटिफिकेशंस को, सबको, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। उसके बाद यहाँ भी आपको एग्री करना है और लोकेशन को आपको एक्सेस देनी है। उसके बाद आपके पास कोई ऐसा होम पेज खुल जाएगा। फिर आप जाओगे सेट में, तो सेट में आपको आपका वॉच फाइंड करना है। यहाँ से आप स्टेप्स देख सकते हो और माइंड में आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी। तो यहाँ से आपको वॉच फाइंड करनी है, T800 अल्ट्रा। तो T800 अल्ट्रा पे मैंने क्लिक किया है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अब देखो आप यहाँ वॉच कनेक्ट हो चुकी है, कि जब भी आप वॉच कनेक्ट करोगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना है, वॉच ने ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लूटूथ से अगर पहले कनेक्ट होगी तो फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ वॉच कनेक्ट हो चुकी है, आप चेक करने के लिए वॉच को फाइंड कर सकते हो यहाँ से। और वॉच फाइंड हो चुकी है, इसका मतलब वॉच पूरी तरीके से वॉच कनेक्ट हो गई है। अब आप देखोगे तो यहाँ आपको व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए एक फीचर है इस ऐप में, तो वो फीचर का नाम है मैसेज पुश। तो मैसेज पुश में आपको जाना है। तो मैसेज पुश में आप कोई भी ऐप की मैसेज अप्लाई कर सकते हो, पर ज़्यादा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ही करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से ओपन करोगे, आप फ़ोन की सेटिंग्स में लेके जाएगा। फ़ोन की सेटिंग्स में नोटिफिकेशन एक्सेस में आपको हाई वॉच प्रो ऐप को एक्सेस देनी है नोटिफिकेशन के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर ऐप के थ्रू डायरेक्ट आपकी सेटिंग्स नहीं खुलती है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ आपको खोलना है हाई वॉच ऐप की नोटिफिकेशन की सेटिंग्स और उसे एक्सेस देनी है नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर सकते हो, जो कि यहाँ ऑन हो चुकी है। तो मैं वापस बैक आ जाऊँगा और अब मैं ये वाले फ़ोन में व्हाट्सएप खोल लेता हूँ। तो अब मैंने ये वाले फ़ोन में व्हाट्सएप खोल लिया है। तो जो फ़ोन कनेक्टेड है उसमें व्हाट्सएप खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। अब मैं भेजूँगा हाय और मैंने ऐसे सेंड कर दिया हाय, यहाँ नोटिफिकेशन आएगी, तो इसका मतलब वॉच में भी नोटिफिकेशन आएगी। तो आप देख सकते हो कि वॉच में नोटिफिकेशन आ चुकी है हाय। और अगर मैं यहाँ से कोई एमोजी भेजूँगा, ये देखिए मैं यहाँ से एक एमोजी भेजता हूँ, तो यहाँ ब्लैंक मैसेज आएगा व्हाट्सएप में। ये देखिए यहाँ ब्लैंक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे। अगर आप एमोजी भेजोगे तो स्मार्ट वॉच उसे रीड नहीं करती है, पर अगर आप कोई लॉन्ग मैसेज भेजोगे तो वो रीड हो जाता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ लॉन्ग मैसेज सेंड किया, तो यहाँ लॉन्ग मैसेज आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ लॉन्ग मैसेज भी आ चुका है। तो आप T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में व्हाट्सएप काफ़ी आसानी से गेट कर सकते हो। तो गाइस, ये थे पूरे फीचर T800 अल्ट्रा के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।